हेलो, मेरा नाम वीरेंद्र बसनेत है। मैं इधर एक लॉज में काम करता हूँ। इधर रुकने वाला एक शैलेश पटेल नाम बताता था, उन्हें इधर रुकता था। हम लोग के साथ में 4 महीना साथ में रुक के खाया। उन्हें साथ में मेरे 3 लाख पैसे और नौसाद भाई के 6 लाख पैसे इधर से ले लेके फ्रॉड रुक कर लेके चले गए हम लोग को। हम लोग पुलिस को FIR भी दिए। FIR कॉपी है, देखिए। FIR कॉपी देने के बाद में अभी 2-3 दिन हो रहे हैं अब तक, मतलब उसका कुछ मालूम तो हुआ नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इसके लिए न्यूज़ के लिए दे रहा था मैं। थैंक यू। कब गया वो जो फ्रॉड करके गया, उसका नाम क्या है? वो शैलेश पटेल बताता था सर। कहाँ का रहने वाला है? वो खुद को मतलब गुजराती हूँ बोलता था, लेकिन रहता था नांदेड़ में बोल के बोलता था वो। अच्छा, अभी जो पुलिस स्टेशन में, कौन से पुलिस स्टेशन में FIR हुआ है? नामपल्ली पुलिस स्टेशन सर। अच्छा, कितने पैसे लेके गया? टोटल 9 लाख सर, उसके 9-7 भाई के 6 लाख और प्लस मेरे 3 लाख, साथ में मेरा मोबाइल फ़ोन और मेरा सिम भी लेके गया है साथ में। पैसे क्यों लिया था आपसे? अब वो पैसे शेयर मार्केट के लिए बोल के लेता था सर। वो शेयर मार्केट का मतलब रिसर्चर हूँ, मेरे पास में पैसे लगाए तो नहीं फंसते तुम लोग के पैसे बोल के वो सुनाता था। मतलब थोड़े दिन तो पैसे डबल करके भी दिया था उसने, ऐसा नहीं कि 5,000 के 10,000 दिया, लेकिन जब टोटल अमाउंट आया 5 तारीख को देता हूँ बोला था, 4 तारीख के दिन से गायब है वो। इसके बाद कौन से पुलिस स्टेशन में जाकर FIR बुक करे आप? नामपल्ली पुलिस स्टेशन सर। क्या बोले पुलिस वाले आपको? पुलिस वाले वही FIR तो दर्ज करा दीजिए, करा दिए। इधर आके एक दिन मतलब उसके सामान सब भी देख लेके गए उन लोग अभी। अच्छा, अब आगे का तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। मीडिया के जरिए आप क्या मदद चाह रहे हैं? पुलिस से क्या मदद चाह रहे हैं? अब मीडिया के जरिए तो अगर आप ये न्यूज़ फ्लैश करना ही चाह रहे तो उसके फोटो के साथ में फ्लैश कर दीजिए, ताकि हर लोग को ये मालूम हो कि ये आदमी फ्रॉड है। आपके कितने लाख थे? 3 लाख सर। आपके पर्सनल थे ये? पर्सनल है सर। आप होटल में क्या काम करते हैं? रिसेप्शन का जॉब करते हैं सर। रिसेप्शन है आप? जी सर। ये हर साल आके रुकता था बंदा इधर? नहीं नहीं सर, फर्स्ट टाइम आया है। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स रुका ना सर, भरोसे पे पड़ गया इसके लिए। 24 मंथ से आपके लॉज में था? जी सर। साथ में बैठ रहा। उसका ID प्रूफ वगैरह लिए आप लोग? ID प्रूफ लिए थे सर, लेकिन उसमें वो किसी दूसरे का ID के नाम से फ्रॉड कर लिया ना, वो तो दूसरे का ID दिया था इसने। जब वो इधर आया दूसरे का ID दिया हम लोग, उतना वो नहीं। दूसरे का ID में क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करे आप लोग? चेक नहीं करे? ID देख लेके दे दिया सर। उसका नाम पूछे, फोटो उसकी थी। जब पूछे हम लोग का फोटो उसकी थी, सब भी देख लेके दिए थे ना सर हम लोग का। तो फोटो उसकी थी, नाम किसी और का था? नाम किसी और का था, तो अब हम लोग को कैसे मालूम होगा सर? थैंक यू सर। पुलिस और प्रेस दोनों भी हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। पैसे निकाल के फरार हो।